गुड इवनिंग ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने जो इसके साथ वाला टॉपिक था फिलोसफिकल बेसिस, उसको डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने बात की थी कि जितनी भी अदर ब्रांचेस हैं वो फिलोसफी से ही डिवेल्प हुई हैं, चाहे वो साइकोलॉजी है, एजुकेशन है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल बेसिस के बारे में। तो जिसके लिए आपको पता है, साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, साइकोलॉजी क्या है, जो किससे बना है, अगर इसके लिटरल मीनिंग के बारे में बात करें, साइकी प्लस लोगोस या लोगस से बना है। साइकी का मतलब क्या आ जाता है, सोल या माइंड, और लोगोस का मतलब आ जाता है, लोगस का मतलब आ जाता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड जो है, इसका लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ आ जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं कि जो साइकोलॉजी है ये किस तरह से रिलेटेड है एजुकेशन से। ओके, तो जैसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी का नाम दे सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशनल नीड्स एंड हिज इन्वायरमेंट, है ना। स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइकोलॉजी, तो यहाँ पर जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है वो किसकी, लर्नर की है, किसके रिलेशन के साथ, उसकी एजुकेशनल जो नीड्स हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, वो एजुकेशन साइकोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे B.F. स्किनर के बारे में आपने सुना है, जिन्होंने कौन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, एक बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने कैसे डिफाइन किया, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सिंपली बोल रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रो एंड क्रो, इनकी भी डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, तो ये भी याद रखना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ठीक है, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको एक्सप्लेन डिस्क्राइब जो चीज़ करती है, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Thus, it helps to carry out the process and produce the result of education. It supplies the necessary knowledge and skills, especially for the teacher to realize the objectives of education. जैसे कि फिलॉसफी में हमने बात की थी, हमने वहाँ पर बोला था कि फिलॉसफी क्या है, एम बताती है, एजुकेशन का एम क्या है। मतलब अगर हम ये बोलें कि फिलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल साइड है, तो एजुकेशन उसकी प्रैक्टिकल साइड है ना, यही हमने बात की थी इसमें फिलॉसफी में। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, जहाँ जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टीचर जो है वो राइज करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का। ओके, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन के फील्ड में। पूरा का पूरा जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये CDP है, इसी पे बेस्ड है आपके सारा का सारा सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में गाइड काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आपको पता है आजकल लेटेस्ट स्कूल में एक काउंसलर रखा जाता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट ही होता है एक तरह का, जो गाइड करता है स्टूडेंट्स को इन देयर एजुकेशन एंड वोकेशनल प्रॉब्लम। दे आल्सो वर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उस काउंसलर के पास भेजा जाता है, वो डील करता है पर्सनली कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ को के बारे में बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंडक्टिंग एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ ए पार्ट ऑफ देयर काउंसलिंग सेशन। तो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, कहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं स्कूल में, ऑल्सो हेल्प टीचर्स इन डिवेलपिंग स्किल्स इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम एंड डिवेल्प एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स टू इंक्रीज क्लास इफेक्टिवनेस। अब सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प नहीं करते, एक टीचर की भी हेल्प करते हैं कि किस तरह वो अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, जिससे उनका जो क्लास है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं विन्यू को होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, तो उनको एक स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जो एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है टीचर की टू ट्रांसफॉर्म ए स्टूडेंट इनटू ए रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टिसिपेटिंग सिटीजन, ए सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव ह्यूमन बीइंग। हर तरह से हेल्प करती है वो बच्चे को क्रिएटिव बनने में, एक अच्छा सिटीजन बनने में, है ना। तो लिंगरन है, एक थ्योरिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने क्या बोला, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स और फोकल एरियाज इन एजुकेशन दैट कंसर्न एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर्स।
और वो क्या क्या हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन एरिया कौन कौन है, पहला तो आता है उसमें लर्नर। द लर्नर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, नॉट ओनली बिकॉज पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोसेसेस और सिचुएशन, बट ऑल्सो प्राइमरली बिकॉज विदाउट द लर्नर देयर इज़ नो लर्निंग ए ग्रेट डील ऑफ वॉट हैपन्स इन द क्लास रूम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है इसमें या एजुकेशन के एरिया में जो लर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना क्या एजुकेशन होगी नहीं, कोई लर्न करने वाला नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगी। दूसरा आता है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में सब कुछ आ जाता है, जो भी कोई भी पर्सन करता है उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस की वजह से आते हैं, जो करिकुलम है, जो इन्वायरमेंट है, सब कुछ आ जाता है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग सिचुएशन, जिस सिचुएशन में लर्न करता है बच्चा, जो भी इन्वायरमेंट है। ठीक है, इट रेफर्स टू द एन्वायरमेंट इन विच लर्नर फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड इन विच द लर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स और कंडीशन दैट अफेक्ट द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। तो जो भी फैक्टर्स आते हैं जो लर्नर या लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा एन्वायरमेंट वो किसके अंदर आ जाता है, लर्निंग सिचुएशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर। अब एज ए टीचर आपके लिए टॉपिक क्यों दिया गया है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, पहला तो आता है इससे आप क्या समझ पाते हो, जो भी बच्चे की डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, आपको पता है बच्चा डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस होता है, इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक अलग अलग स्टेजेस चलते हैं, बट सिर्फ बच्चे की बात करें तो आप इन्फेंट से लेकर एक अडोल्सेंट तक डील करते हो, है ना। आप पीजीटी लेवल के हो तो अडोल्सेंट्स के साथ आप डील करोगे। ठीक है, तो अडोल्सेंट्स तो ऐसा जो स्टेज है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम है, अपनी आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है। तो बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स जो भी अडोल्सेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जानना ज़रूरी होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आपको पता चलता है इससे। इससे आपको और क्या पता चलता है, नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम लर्निंग कैसी होती है उसके नेचर के बारे में पता चलता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई भी दो बच्चे क्लास में सेम नहीं हो सकते, सारे एक दूसरे से अलग हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का नॉलेज मिलता है ना, कि हर बच्चे को भाई बच्चा ही जब अलग है तो सेम अप्रोच कैसे हो सकती है, सेम मेथड कैसे हो सकता है उसको पढ़ाने का। तो जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं उन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आप पढ़ाते हो, टीचिंग मेथड चूज़ करते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब हर एक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सबका मेंटल लेवल अलग हो सकता है, एज अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उनको जानने में हमें हेल्प मिलती है एज ए टीचर। नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ, बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में भी टीचर को नॉलेज मिलता है ना, कि वो कहीं इल मेंटल हेल्थ नहीं है, वो माल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाता है ये नहीं कर पाता है, ग्रुप में काम कर पाता है, अलग अलग चीज़ें है ना, ये भी आपको जानने को मिलता है। और साथ में जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है, क्योंकि हमें पता है बच्चा कैसा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी नीड्स अलग हैं, तो नीड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए हमारा करिकुलम, और साथ में सोसाइटी की भी अलग अलग नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम होना चाहिए, तो इसके लिए भी हेल्प मिलती है। लर्निंग आउटकम को मेज़र करने के लिए भी है ना, अब क्या है कि अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी कुछ आउटकम भी आनी चाहिए, तो उसे कैसे इवैल्यूएट करना है, कौन सा मेथड यूज़ करने हैं, तो उसको उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों को मेज़रमेंट के लिए भी हेल्प करता है। ये रिसर्च में हेल्प करता है, मतलब जो भी नए नए टूल्स या डिवाइसेस बनानी है फॉर द मेज़रमेंट ऑफ वेरियस वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसके बिहेवियर से लेकर उसके इंटेलिजेंस से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, है ना, कुछ भी अलग अलग जो वेरिएबल्स आते हैं जिसके बेसिस पे भी हम बच्चे को जज करते हैं या उसके चेंजेस को नोट करते हैं, उनके रिसर्च में हेल्पफुल है। गाइडेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स आते हैं, स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में जितने भी बच्चे आते हैं उनको गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, उनके लिए कैसे मेथड यूज़ करने हैं, किस तरह का एजुकेशन होनी चाहिए, करिकुलम कैसा, उसके लिए भी हमें हेल्प मिलती है ना। तो मतलब ओवरऑल हम हर एक चीज़ को जान पाते हैं कि किस बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन में तभी पता चलती हैं जब हमें इसके जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में पता होता है। जैसे कि ये वाला आपका 20 मार्क्स का पेपर 2 में जो भी रखा गया है टॉपिक, वो इसीलिए आपको जज करने के लिए कि आपको ये सारा नॉलेज है या नहीं, ठीक है, इसी के अंडर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन में। हम अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपने पढ़े होंगे,
ठीक है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह या अलग अलग स्कूल क्या है, वो पता होना चाहिए। तो पहला तो आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं उनके नाम कुछ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक तो विलहेम वुंड का नाम सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इन्हें फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कह देते हैं, बट और भी कई जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये भी जर्मन थे, और भी कई थे, जैसे कि वेबर का नाम आप याद रख सकते हो, है ना, हर्मन का नाम याद रख सकते हो, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा इस वर्क को आगे लेके गए वो वुंड ही थे। वुंड क्या है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म आ जाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आ जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी आ जाते हैं, ओके। यही वो थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल या एक्सपेरिमेंटल लैब एस्टेब्लिश की थी, कब, 1879 में, कहाँ पे, लिप्जिंग जर्मनी में करी थी, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा वुंड के बारे में और क्या याद रखना है आपने, इनकी बुक्स के नाम याद रख लेने हैं। इनकी एक बुक है जिसका नाम आपने याद रखना है, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना है आपने, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, 1873 में लिखी थी इन्होंने बुक, इसका नाम आपने याद रखना है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, इन्होंने एक मेथड दिया है जिस मेथड को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये भी आपने याद रखना है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल, जैसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उस पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे उसे बोल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे डिटेल में अपने बारे में, अपनी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। उसे कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जैसे नॉर्मली यूज़ करते हो ना वर्ड कि इंट्रोस्पेक्ट करना है किसी को, बस वही है ये, ठीक है। तो इस पर ध्यान लेना है। तो इनका जो फोकस था वो किस पे था, माइंड के स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है, या इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की हम बात करें, तो इसको ना, इसमें ज़्यादातर इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में ही बात की थी, मतलब नैरो था ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इधर अच्छे तरीके से एजुकेशन में ये हेल्प नहीं कर पाता था बच्चे को जानने के बारे में, क्योंकि इसमें डाटा कलेक्शन पे टोटली ये बेस्ड था, जैसे मैंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में बताया, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया। अगला जो स्कूल आया वो था फंक्शनलिज्म, जिसके मेन जो साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं या फाउंडर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं विलियम जेम्स, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये इन्फ्लुएंस थे डार्विन की थ्योरी से, ठीक है, चार्ल्स डार्विन से, मतलब मेनली ये शुरू होता है कॉन्सेप्ट फंक्शनलिज्म का। इन्होंने बोला कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बजाय ज़्यादा हम ज़रूरत है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, उस पे ध्यान दें, इसीलिए स्कूल को फंक्शनलिज्म कहा जाता है, प्रकार्यवाद, ये काम कैसे करता है उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें, है ना, जिसमें हम अलग अलग की हमारा बिहेवियर कैसे है नॉल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस स्कूल ने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था स्ट्रक्चरलिज्म को, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो था उसको क्रिटिसाइज़ किया, विलियम जेम्स इसके मेन जो हमारे थिंकर हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो विलियम जेम्स की भी एक बुक है, उसका नाम आप याद रख सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक टॉक्स टू टीचर्स आ जाता है एक, और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, शायद ये तो आपने सुनी भी होगी या पढ़ी होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, दोनों ही इन्हीं की बुक्स के नाम है, विलियम जेम्स की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक प्रैग्मेटिस्ट हैं, जैसे कि जॉन डेवी, जेम्स वगैरह आ जाते हैं, हार्वे वगैरह आ जाते हैं, ये सारे याद रखने हैं। जॉन डेवी की एक टेक्स्ट बुक का नाम भी याद रखना है, कौन सी है, साइकोलॉजी उसका नाम है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये सारे फंक्शनलिज्म में आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, हाँ एक और चीज़, अगर हम बात करें कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है फंक्शनलिज्म का एजुकेशन में, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, बिहेवियर के पे, कि कैसे हम नई जो सिचुएशंस हैं उनको अडेप्ट करते हैं, जैसे चार्ल जो डार्विन है उन्होंने हम कैसे इवॉल्व हुए उसके बारे में बात की है ना, उसी पे बेस्ड है। तो अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, उसे कैसे अडेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है करिकुलम का, उसके बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को के बारे में बात की, बच्चे के चाइल्ड साइकोलॉजी और मेंटल टेस्टिंग के बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं फंक्शनलिज्म की एजुकेशन में। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, इसमें क्या बात की जाती है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात की जाती है,
ठीक है, मतलब ये किस पे बेस्ड है कि नॉलेज को कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे बिल्ड करते हैं, या नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे इसके अंडर पियाजे वगैरह आ जाते हैं आपके, या फिर वाइगोस्की हैं तो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट, बट हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट ही। जैसे पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं आपके, और जो वाइगोस्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। बट बात यही कर रहे हैं कि नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे जो प्रीवियस आपका जो भी स्कीमा होता है, फिर नया स्कीमा उसमें ऐड किया जाता है, उसे मॉडिफाई किया जाता है। इस तरह हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, आगे से आगे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते चलते हैं। इसके बारे में बात की उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट स्कूल में जो मेन आ जाते हैं आपके, थिंकर आ जाते हैं, मैक्स वर्डमियर आ जाते हैं, कर्ट कुफ आ जाते हैं, और कोहलर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल, या पैटर्न इसका मतलब हो जाता है। तो ये क्या बात करते हैं, लिटरल मीनिंग तो पैटर्न आ गया, बट गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में बात की जाती है होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स, ठीक है। ये याद रखना है मेनली गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में। और इसके अलावा ये मेनली इंसाइट के बारे में, हमारी सूझबूझ, हमारी समझ कैसे काम करती है। जैसे कोहलर का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, जो चिंपैंजीज पे उन्होंने किया था, जिसमें सुल्तान सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी था। तो ये सूझबूझ और समझ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, अपने सूझबूझ का यूज़ करते हैं, इंसाइट का यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। ये सारी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में हम इस यहाँ पे बात करें, तो मतलब ये बात करता है कि हमने ना, जब बच्चे को आपने कोई चीज़ सिखानी होती है तो एक सीक्वेंस बैठना चाहिए, एक पैटर्न में सिखानी है आपने चीज़ें, ठीक है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, क्लोज़र होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी शुरू किया, कहीं पे भी एंड कर दिया। क्लोज़र होना चाहिए उसमें, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए, ये बातें करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ जाती है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा आ जाता है, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में भी अलग अलग थ्योरिस्ट साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बट जो मेन आते हैं वो कौन आते हैं, सिगमंड फ्राइड ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। सिगमंड फ्राइड क्या थे, एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो बाद में साइकोलॉजिस्ट भी बन गए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, और इन्होंने बोला, इन्होंने हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की, कि इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसी का रिजल्ट है हमारी डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइकोएनालिसिस मनोविश्लेषणवाद में बात करते हैं। और इन्होंने जो मेथड के बारे में बात की, वो मेथड आ जाता है ड्रीम एनालिसिस। मतलब इनके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे अंदर ड्राइव्स हैं, चाहे वो लिबिडो हो या फिर बैड एक्सपीरियंस हो, वो सारे के सारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और उसी का रिजल्ट है हम कैसे बिहेव करते हैं, है ना। जैसे बचपन में जो भी बुरी यादें हैं, या जो भी बुरा हमारे साथ हुआ है, जो भी इंसिडेंट्स अच्छे बुरे हुए होते हैं, उसी का रिजल्ट है कि हम कैसी पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी कई बुक्स लिखी, कई जगह काम किया, जिसमें से एक आ जाता है जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आ जाता है सिगमंड फ्राइड की। अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे ये, क्योंकि ये पिछले जो स्कूल से उनसे काफ़ी डिफरेंट ये बात कर रहे थे। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आ जाता है, इसके अलावा बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल आ जाता है, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन आ जाता है, ये सारी इनका ही वर्क है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है, अगर पढ़ी होगी आपने इनकी थ्योरी, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे इड बोला प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, कि अगर हम किसी स्टेज में फिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर कोई बैड हैबिट आएगी, जो बाद में बड़े हो जाएंगे तो देखने को मिलती है, ठीक है। लास्ट जो स्कूल आता है वो क्या जाता है, बिहेवियरिज्म आ जाता है। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, जिसके फाउंडर या जिसके जनक इसको कहा जाता है, जे बी वॉटसन को कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये भी, इन्होंने बिहेवियरवाद, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की शुरुआत की। इन्हीं के अंडर हमारे स्किनर आ जाते हैं, थॉर्नडाइक आ जाते हैं, पावलोव, सारे बिहेवियरिस्ट ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं साइकोलॉजी को, इन्होंने बोला ये है साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, याद रखना है। इनके अकॉर्डिंग, बिहेवियरिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है ये, ठीक है। और इनकी एक बुक का नाम भी याद रख सकते हो, वॉटसन की बुक का नाम, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड,
द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड, इन्हीं की बुक का नाम। तो इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें, एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है स्कूल की, तो यहाँ पे इन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया कि जैसे हम बच्चे के बिहेवियर को जान सकते हैं। इन्होंने बोला, इन्होंने बात की कि बच्चे के इमोशंस को जानने के बारे में बात की, ठीक है। इन्होंने एक और टीचिंग के बारे में भी बात की, प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में बात करता है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये बिहेवियरिज्म में ही आती है ये चीज़ भी, ठीक है। न्यू मेथड दिया था इन्होंने टीचिंग का, जिसे बोला प्रोग्राम्ड लर्निंग, जहाँ पे मतलब जैसे वॉटसन का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, इन्होंने बोला था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभवों के थ्रू उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, वही आएगा प्रोग्राम लर्निंग में, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, रीइन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ओके। एक्सपीरियंस वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सारी इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाती हैं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस अनुभव दोगे बच्चे के बिहेवियर वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो सारी किससे रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है एक बार। बाकी हमने जैसे शुरू किया है कि मैं टॉप 100 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें से 50 ऑलरेडी कर चुकी हूँ और अगले भी जल्दी करूँगी, बट थोड़े से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आपके हो जाए उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।